Hello friends, in this video tutorial I am going to show you how to create a simple animation in Photoshop. दोस्तों Photoshop ये animation software नहीं है but इसमें आप simple animation कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं इस type की animation, चलिए मैं आप लोगों को इस video में बताता हूँ. सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि एक new artboard लेना है. उसके बाद उसमें हमें gradient tool select करनी है. उसके बाद हमें color से इसे gradient कर देनी है. तो मुझे क्या बनाना है इस video में कि मैं फिश बनाऊंगा, वाटर बनाऊंगा और उसे स्काई फेंक दूंगा कि अंधेरे में ये सब एनिमेशन हो रहा है. तो उसके लिए मुझे कलर सेलेक्ट करनी है. मैं ब्लैक एंड वायलेट सेलेक्ट करूंगा ताकि स्काई वाली फीलिंग आए. तो चलिए सेलेक्ट कर लेता हूं और इस टाइप से ग्रेडिएंट कर देना है. उसके बाद क्या करना है, मुझे ब्रश सेलेक्ट करना है दोस्तों. और आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि आप लोग जितने भी ब्रश सेलेक्ट करें वो न्यू लेयर पर होनी चाहिए ताकि आप हर एक चीज़ को एनिमेट कर पाएँ. तो मैं सबसे पहले ब्रश पे क्लिक करूंगा और ब्रश सेलेक्ट करूंगा. मैं इस पे वाटर की ब्रश सेलेक्ट कर रहा हूं ताकि वाटर वाली इफेक्ट आए. लेकिन ये बात का ध्यान रखना है दोस्तों आप लोगों की, हर एक ब्रश को आप लोगों को न्यू लेयर पे बनानी है. मैं इस पे न्यू लेयर पे हर एक ब्रश को नहीं बना रहा हूँ, कुछ कुछ ब्रश को न्यू लेयर पे बना रहा हूँ. तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि आपको हर एक ब्रश को न्यू लेयर पे बनानी है ताकि हर एक चीज को, हर एक ऑब्जेक्ट को आप मूव कर पाए. इस तरीके से आपको वाटर को फिल कर देना है. यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, पोजिशनिंग सेट कीजिए, न्यू लेयर लीजिए, फिर नया पोजिशनिंग सेट कीजिए. वैसे करके आपको नया नया लेयर लेके आपको सेट करनी है. आप चाहे तो साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं. बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर हर ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो आपको हर ऑब्जेक्ट न्यू लेयर पे होनी चाहिए. बस उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि आपको फिर एक न्यू लेयर सेलेक्ट कर लेना है. उसके बाद ब्रश पे क्लिक करके आपको फिश वाली ब्रश सेलेक्ट कर लेनी है ताकि मुझे फिश में ड्रॉ कर सकूँ. चलिए मैं फिश की ब्रश चूज़ कर लेता हूँ. ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी. अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. ये देखिए मैंने ये वाली चूज़ कर ली. उसके बाद आप इसे रोटेट कर सकते हैं ताकि फिश सीधी लगे. आप लोग जो चाहे वो करवा सकते हैं. हर एक फिश को आप सिंगल लेयर पर डाल सकते हैं ताकि हर एक फिश को आप मूव करवा सके, जंप करवा सके, जो चाहे वो करवा सके. मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले जाना चाहता, इसलिए मैं राइट साइड की फिश को एक लेयर पे दूंगा और लेफ्ट साइड की फिश को एक लेयर पे दूंगा ताकि मैं बस पोजिशनिंग सेट कर पाऊँ. मुझे बस यही दिखाना है आप लोगों को, बस समझाना है मुझे कि क्या होता है ये. आप लोग जैसा चाहें वैसा एनिमेशन कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी अच्छी कर सकते हैं. मैं बस ये आपको डेमो दे रहा हूँ. ये देखिए मैंने कुछ फिशेस बना लिए हैं यहाँ पे. फिर अपने न्यू लेयर क्रिएट करना है और डिफरेंट फिश बनानी है लेफ्ट साइड पे. जैसे मैंने बताया आप पोजिशनिंग सेट कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं. तो मैं भी यहाँ पे वही कर रहा हूँ. फिर मैंने डिफरेंट फिश लिया, रोटेट करवाया, फिर ड्रॉ किया. और आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने दो ही लेयर लिया है फिश की, एक लेफ्ट साइड वाले की, एक राइट साइड वाले की, ताकि मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना ले जाऊं और आप लोग इजीली समझ पाए. उसके बाद आपको क्या करना है, विंडो पे क्लिक करना है. उसके बाद टाइमलाइन पे क्लिक करना है. इसके बाद आपको ऐसी विंडो अपेयर होगी दोस्तों. अगर ऐसी विंडो अपेयर ना हो तो वहाँ पर आ जाएगी कि क्रिएटिव वीडियो टाइमलाइन. तो आपको वहाँ पर क्लिक करके क्रिएटिव वीडियो टाइमलाइन कर लेना है. उसके बाद आपको ऐसी विंडो खुल जाएगी. उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर के साइड पे जो एरो है उस पर क्लिक करना है और पोजिशनिंग पे क्लिक करना है. पोजिशनिंग पे क्लिक करने के साथ साथ आपको दोस्तों ये देख रहे हैं येलो टिक फर्स्ट पे आ गया. इसका मतलब क्या है कि आपकी पोजिशनिंग फर्स्ट पे सेलेक्ट हो गई है. उसके बाद आपको क्या करना है, मूव करना है लास्ट पे. उसके बाद फिश को पकड़ के आपको लास्ट कोने पे, लेफ्ट साइड के कोने पे मूव करवा देना है. ये क्या है, मोशन कैप्चर करता है दोस्तों कि आप कैसे मोशन को कैप्चर करवा रहे हैं. चलिए दूसरे को भी कर लेते हैं ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए कि मैंने क्या किया. फिर से लेयर पे क्लिक करना है, पोजिशनिंग सेट करनी है. उसके बाद आपको क्या करना है, कर्सर को मूव लेके जाना है, लास्ट पे लेके जाना है और फिश को उस साइड से उस साइड तक सेट कर दें. इससे क्या है कि आप पहला की पॉइंट सेट किए तो फिश लेफ्ट साइड पे थी, फिर दूसरा की पॉइंट सेट किए आपने फिश को राइट साइड पे मूव करवाई. इसका मतलब क्या है, आप फोटोशॉप ने
फोटोशॉप बहुत स्मार्ट टूल है, इसने क्या किया कि आपके मोशन को इसने कैप्चर किया कि आपने किस चीज़ को कहाँ से उठा के कहाँ डाला है, तो बस यही है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है आपको, वाटर को भी सेम चीज़ कर देना है। मैं इसको डिफरेंट की पॉइंट सेट करूँगा ताकि वाटर थोड़ा रियलिस्टिक दिखे, आप लोग भी सेम ऐसे कर सकते हैं, बस आपको की पॉइंट सही से समझना है। ये देखिए मैं सबको ऐसा ही कर दे रहा हूँ, आप लोग भी सेम ऐसा कर सकते हैं। चलिए एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि मैंने कैसा एनिमेशन किया है। मैंने प्ले किया और देखिए सारा वाटर भी मूव हो रहा है, फिश भी मूव हो रही है, सारे सही से मूव हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको लूप सेट करना है। लूप सेट करने का मतलब क्या है कि दोस्तों पहले आपको क्या करना है कि फिश को थोड़ी डाउन कर लेनी है ताकि रियलिस्टिक लगे, ये फिश ज़्यादा ही कुछ ऊपर है, तो मैंने फिश को डाउन कर ली। उसके बाद क्या करना है आपको, लूप सेट करना है। लूप का मतलब दोस्तों ये है कि आप जो ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है वो टर्न बाय टर्न होती रही, एक बार खत्म होने के बाद दूसरी बार खत्म होती रही, तो आपको क्या करना है इस छोटे आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद लूप पे टिक कर देना है। तो लूप पे टिक करने के बाद वो वीडियो आपकी लूप हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है, ये जो लास्ट पे हैमबर्गर मेन्यू है उस पर क्लिक करना है और आपको रेंडर वीडियो पे क्लिक करना है, इससे आपकी वीडियो सेव होने की प्रोसेस पे चली जाएगी और वीडियो सेव हो जाएगी। दोस्तों इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे सिंपल एनिमेशन आप लोग फोटोशॉप पे कर सकते हैं, और आप लोग बड़ी बड़ी एनिमेशन इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एनिमेशन टूल नहीं है, तो इस टाइप छोटी मोटी एनिमेशन आप कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड फॉर मोर अपकमिंग वीडियो स्टे ट्यून विद XOAD। प्लीज। We'll be right back.